जिमखाना क्लब चले। जिमखाना क्लब? मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा? मम आपके और डैड के दोस्तों के बीच में मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किससे क्या बात करूं। अब बोर हो जाऊंगा मम। पर बेटा अगर क्लब नहीं जाओगे तो सोशलाइज कैसे करोगे? सोशलाइज? मुझे क्यों सोशलाइज करना है? और वैसे भी नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या करना चाह रही हैं। मुझे इस शादीवादी में इंटरेस्ट नहीं है मॉम, और अगर ये आपका प्लान है ना तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। और वैसे भी आपके इस जिमखाना क्लब की लड़कियां शादी के पहले प्रीनपचुअल अग्रीमेंट्स करवाती हैं, जो एक दूसरे से कंपटीशन रखती है कि किसको बेस्ट हस्बैंड मिलेगा। मॉम, ऐसी लड़कियों में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। ये ऐसी लड़कियां मेरे टाइप की ही नहीं है मॉम। तो तुम्हारे टाइप की लड़कियां कैसी है कार्तिक? आपके जैसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। आपके जैसी जो ब्यूटीफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, हार्डवर्किंग हो, जो अपने करियर पे फोकस्ड हो, जिसकी अपनी पहचान, और जो एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सके, जैसे कि आप पापा के लिए। मक्खन मार रहे हो मॉम को? और ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हें? कहीं नहीं, बिकॉज यू आर वन एंड ओनली, यू आर द बेस्ट मॉम। इसलिए मॉम, आप मेरे बारे में टेंशन लेना छोड़ो। मुझे ना इस शादीवादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक बार पढ़ चुका हूं एंड यू नो इट पॉसिबल। बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व यू। नहीं मॉम प्लीज, उसे ऐसे ब्लेम मत कीजिए। मे बी आई डिडंट डिजर्व। एनीवे, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को जाने दीजिए। तुमने जाने दिया है आज तक कार्तिक? सच बताओ बेटा, डू यू स्टिल लव हर? इसलिए शादी से इनकार करते रहते हो? नहीं मोहन, मैं शादी के लिए इसलिए इनकार करता हूं बिकॉज आई एम ऑलरेडी मैरिड। आई एम मैरिड टू माई वर्क। आप ही बताइए कि अगर मुझे अच्छी लड़की मिल भी गई, ना मैं उसे प्यार दे पाऊंगा ना वक्त। विल दैट बी फेयर ना? अच्छा, अब आप अपने क्लब जाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे घर पर रिलैक्स करने दीजिए, और डिनर हम साथ में करेंगे। ओके, सी यू।